नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, ड्रीम अचीवर टीम का आवाज नहीं आ रही। आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं? ड्रीम अचीवर टीम के हैं? और फिर ड्रीम अचीवर टीम के डिस्ट्रीब्यूटर का आवाज कैसा होना चाहिए? कड़क होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए कि नहीं? है ना। आज हम नए साल में आए हुए और नए साल का हमारा पहला इवेंट होने जा रहा है, तो हम सब लोग का आवाज कैसा होना चाहिए? कड़क होना चाहिए बिल्कुल कि नहीं? मेरा तो आवाज कड़क है भाई, है ना। तो फिर से नमस्कार लेते हैं। ओके, नमस्कार नमस्कार। ये हुई बात। तो चलो सबसे पहले मैं मेरा परिचय कर देता हूं। अमर सिंह राठौड़, अमरावती महाराष्ट्र से हूं और नेटसप में फुल टाइम काम करता हूं। आज यहां पर हमारा ये जो नए साल का पहला इवेंट होने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं क्वार्टर फोर का लॉन्चिंग, तो उसमें आए हुए सभी ड्रीम अचीवर्स टीम के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैं मेरे टीम की तरफ से, हमारे पूरी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारा स्वागत हम जोरदार तालियों से करेंगे। प्लीज विकेट, प्लीज विकेट जोर से, और जोर से को दिखाना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों, आज का हमारा ये दिन भर का जो सेशन रहेगा, ये पूरे जोश का, जोश से भरा होना चाहिए, बरोबर है ना। आज हमें हमारे जोश की जरूरत है। आज का जो प्रोग्राम आपके लिए आयोजित किया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमें नए साल में कुछ जोश लाना है, बराबर है। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं गए साल में जाऊंगा। लास्ट ईयर 2020 जो कि हमारे लिए बहुत ही कठिनाइयों भरा गया है, बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमने बिजनेस किया हुआ है, बराबर है। लेकिन नेटसप, मानना पड़ेगा नेटसप को कि आज नेटसप पूरे भारत में टॉप थी और टॉप रह चुकी है, बराबर है। और मैं उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर को सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने इतनी कठिनाइयों के बीच, इतनी विषम परिस्थिति के बीच नेटसप का बिजनेस किया। हमने ऐसे ऐसी उड़ाने लिए हैं, हमने ऐसे ऐसे रास्ते तय किए हैं कि जो कि इस कोरोना के माहौल में बिल्कुल असंभव था, लेकिन वो आपने करके दिखाया हुआ है। इस विषम परिस्थिति में हमने बहुत कुछ सीखा है। पहले जैसे हम मीटिंग लेते थे, होम मीटिंग लेते थे, वन टू वन मीटिंग लेते थे, एलसीडी प्रोग्राम लेते थे, हमने हमारे खुद में परिवर्तन लाया है और लाना पड़ा, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका मिला है। सभी लोगों ने यहां पर ऑनलाइन बिजनेस किया हुआ है और बहुत ही अच्छी परिस्थिति में, बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ में हमने उसकी तरफ कदम बढ़ाया हुआ है, बराबर है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, बराबर है। परिवर्तन हमको करना, मैंने तो मेरे में परिवर्तन कर लिया है, बराबर है। आज जहां तक मैं मराठी बोलता था, तो मैं आज हिंदी बोलना शुरू किया, एक परिवर्तन ही है ना, बराबर है ना। ये लाना पड़ेगा सर हमको, क्योंकि देखिए एक बात बताता हूं, हम एक तालाब में तैर रहे, तालाब यानी मेरा पॉकेट अमरावती, बराबर है, मेरा पॉकेट अकोला, मेरा पॉकेट वर्धा, ये हमारा तालाब है। हमको आगे समुन्दर में जाना है। हम खाली महाराष्ट्र की पुरता बोल रहे हैं, बराबर है ना, तालाब यानी महाराष्ट्र, लेकिन समुन्दर आगे है दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए पड़ा है, बराबर है। तो उस हिंदुस्तान में हमको पहुंचने के लिए हमारे राष्ट्रभाषा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आज से उसकी शुरुआत कर दी है, बराबर है। तो ऐसी ही शुरुआत हमको इस नए साल में करना है। और कंपनी के बारे में अगर बोलना चाहूंगा, तो कंपनी ने हमारे को बहुत कुछ दिया हुआ है सर, बहुत कुछ, इतना दिया हुआ है कि जितनी कंपनी की तारीफ करेंगे, जितनी हमारे मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे, उतनी कम है। लास्ट ईयर भी बहुत कम, बहुत ज्यादा हमको दिया हुआ है, धन धना धन धन, काफी लोग उसमें से अचीव हुए। सक्षम अस्मिता, हमारे पास में इतना जबरदस्त टूल है कि जिसके भरोसे पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सक्षम अस्मिता अचीव किया है। कितने लोगों ने अचीव किया है, हाथ ऊपर किए कीजिए, बराबर। सभी को मैं यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने सक्षम अस्मिता अचीव किया है।
ऐसे ही कई कई टूल हमको कंपनी देने जा रही है नए साल में, बराबर है। और उसमें से आज आप देखेंगे पूरे दिन में कि हमारे लिए कंपनी ने 2021 में क्या तोहफा लाई है। इतना जबरदस्त तोहफा है कि आप अगर उसको सुनोगे आज, आप अगर यहां पर देखोगे तो ये सोचोगे कि थैंक्स नेटशॉप, क्योंकि मैं तो थैंक्स बोलता हूं नेटशॉप, मैं आने के बाद में मैं नेटशॉप को थैंक्स इसलिए बोलता हूं कि नेटशॉप हमको बहुत कुछ देती है, बराबर है। उसी का एक पार्ट, जैसा हम हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन जो है, नीचे से देखते हैं, ऊपर उड़ता है तो बराबर है ना। यहां पर हवाई जहाज में कितने लोग बैठे? एक भी नहीं, एक सर बैठे, वेरी गुड, बराबर है। लेकिन क्या आप उस हवाई जहाज में बैठना चाहोगे? यस सर। बैठना चाहोगे? यस। क्या आप तैयार हो उस ऊंची उड़ान के लिए? यस। आवाज में दम नहीं आ रहा सर, फिर से एक बार बोलूंगा, क्या आप तैयार है उस ऊंची उड़ान के लिए? यस। तो तैयार हो जाइए, आपके लिए नेटशॉप ला रहा है क्लब नेटशॉप 4 का एक जबरदस्त टूल, एक जबरदस्त अचीवमेंट आपके लिए लाने जा रहा है। और उसको आप समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए, बहुत ही सरल आपके लिए है, बहुत ही कम टारगेट में भी आपको क्वार्टर 4 का एक जबरदस्त ऑफर कंपनी ने दिया है। इसको आपको समझना पड़ेगा आप, ताकि आप बहुत ही कम दिनों में ये अचीव कर सकते, ठीक है। तो करते हैं हमारे कार्यक्रम की शुरुआत। तो मेरी कुछ सूचनाएं होती है, सबसे पहले आपका जो मोबाइल है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर मोबाइल किसका बजा तो हमें डिस्टर्ब होता है, बराबर है। और यहां पर आज इसके प्रोग्राम को ओपनिंग करने के लिए, इस प्रोग्राम में हमको मार्गदर्शन करने के लिए हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे नागपुर रीजन के रीजनल हेड श्री प्रशांत सोमवंशी सर आज हमारे बीच में आएंगे। तो दोस्तों उनका स्वागत कैसा होना चाहिए? जोरदार ना, अपनी जगह पर उठकर हम उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के बीच में उनको बुलाता हूं, प्लीज वेलकम मिस्टर प्रशांत सोमवंशी सर, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां सर। और सर का स्वागत करने के लिए मैं हमारे ड्रीम मैच्योर टीम के सभी ओएसजीडीसी लीडर जो है उनको यहाँ पर मंच पे बुलाता हूँ और पुष्प गुच्छ देकर हम सर का स्वागत करेंगे। Get ready. सबको बुलाया है ना? ऐसा कोई है बिन बुलाया मेहमान? पक्का? हाँ तो क्यों बुलाया था? कुछ तो बोला होगा, आ जाओ। अरे क्यों बुलाया था? हिंदी आता है ना? मेरा हिंदी समझ रहा है ना? हाँ थोड़ा सा, हाँ ना कुछ तो बोलो यार, क्यों बुलाया था हमें? मैडम काय संबोधन बोलो होता आपल्याला? लॉन्चिंग प्रोग्राम आहे म्हणून तुम्ही या, फक्त तुम्ही फास्ट ट्रॅकचं लॉन्चिंग प्रोग्राम आहे म्हणून या। ओके, आणखीन धमाका होणार आहे, क्या बात आहे, धमाका होणार आहे म्हणून या, फक्त वंदू इंटरनॅशनल या, मग बघा तुमचं कसं आयुष्य परिवर्तन होतं। आज सांगितलं की नाही सांगितलं? सांगितलं ना, मी सगळ्यांना बोलवून इथं आणलेलं आहे, सबको यहां पे बुला के लेके आए है। तो अभी ये जो परिवर्तन हमारा होने वाला है इस नेटसर्फ के प्रोग्राम के माध्यम से, या नेटसर्फ का बेस पकड़ के हम ये जो परिवर्तन करने वाले हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। सभी नेटसर्फ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? कोई गेस यहाँ पे नहीं? सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? पक्का 100%?
कन्फर्म। एक बार जोरदार गाना हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जोरदार। क्या बात है, थैंक यू। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं ना देते हुए, जी हाँ सही सुना आप लोगों ने, इस नए साल की शुरुआत शुभकामनाएं ना देते हुए हम करते हैं। ऐसा क्यों पता नहीं सर, आप ही बोलो। अभी हमें तो लगा आप बोलने वाले हो ढेर सारी शुभकामनाएं, नवीन वर्ष सुखाचे जाओ, बरोबर की नहीं? आम्हाला असं एक्सपेक्टेड होतं, पण तुम्ही तर हे उलटच काढलं, बरोबर नाही? बर आपण मागच्या वर्षी, आता कुठलं वर्ष चालू आहे, 2021, जानेवारी 2021, मागच्या वर्षी कोणतं होतं, जानेवारी 2020, जानेवारी 2020 मध्ये आपण लोकांना शुभेच्छा पाठवल्या होत्या की नव्हत्या पाठवल्या, काय काय पाठवल्या होत्या, भरपूर, हां काय काय पाठवलं होतं, हा तुमचं आयुष्य सुखाचे जावो, तुमचं आयुष्य भरभराटीचे जावो, हॅप्पी न्यू इयर, न्यू इयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, असे खूप सारे मेसेज पाठवले की नाही पाठवले, बराबर। फिर आपने बाद में डिसंबर में उनको फोन किया था क्या, भाई कैसा गया अपना साल, मैंने वो शुभेच्छा भेजी थी ना आपको, मैंने बोला था ना कि आप तुमचं नवीन वर्ष सुखाचे जाओ, गेलं का असं कॉल केलता कोणाला, नाही ना, का आपल्याला एवढं माहिती की सुरुवात करायची आहे, कुणीतरी एकाचा मेसेज आला लगेच, अरे असे काही नमुने आहेत जे नवीन वर्ष चालू व्हायच्या अगोदरच ऍडव्हान्स मध्ये तुम्हाला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा, म्हणजे कुणीतरी पाठवण्याच्या अगोदर मी पाठवतोय तुम्हाला, बरं हे फक्त म्हणल्याने नवीन वर्ष सुखाचे जातं का, सिर्फ हॅप्पी न्यू इयर कहने से हमारा न्यू इयर हॅप्पी होता है क्या, नहीं होता है, बरं की नाही? तो यही ये भी नेटसअप भी यही चाहता है कि हम सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेंगे आपको, आपका न्यू ईयर हैप्पी कैसे होगा इसके ऊपर इस बार नेटसअप काम करने वाला है। तो ये 2020 कैसा रहा हमारा, किन चीजों के साथ हमने डील किया 2020 में, और सोशल डिस्टेंसिंग करना, सवाल पूछ रहे कोई भी जवाब दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों यही होते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट, ऐसे कुछ पल होते हैं कि जिसमें हमको हमारे बिजनेस की बहुत ही जरूरी कुछ बातें मिल जाती है। तो इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका हमें सेलिब्रेशन करना है, फेलिसिटेशन करना है। तो दोस्तों ड्रीम अचीवर टीम की तरफ से लास्ट ईयर 2020 में कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन लगाए गए थे कि जो कंपटीशन प्राप्त यानी पूरा करने के बाद में हमने कुछ गिफ्ट वहां पर लोगों को दिए थे। जैसे कि अभी गोरे सर ने बताया कि 10 डायरेक्शन जो बंदा करता है उसको हमने ब्लेजर गिफ्ट देने का बोला था। ये गिफ्ट जो है हमारे ड्रीम अचीवर हेड मिस्टर पाटिल सर की तरफ से लगाए गए थे। तो मैं ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहां पर कॉल करूंगा और उनको हमको फेलिसिटेशन करना है। साथ ही में उनका जब हम फेलिसिटेशन करेंगे तो जोरदार तालियां भी आपके साथ में होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर कॉल करता हूं मिस निशा खर्चे मैडम को, जोरदार तालियां मैडम के लिए होना चाहिए। एक ही महीने में मैडम ने 10 डायरेक्शन दिए हुए, बराबर है। और मैडम का अगर बताया जाए तो देखिए मैडम तो यहां पर है लेकिन इन्होंने मेड़घाट धारनी जैसे एरिया में जाकर भी अपने डायरेक्शन बनाए हुए। और दूसरे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर संजय चौहान सर, जोरदार तालियां इनके लिए होना चाहिए। बहुत ही कम समय में इन्होंने 10 डायरेक्टर बनाकर ये गिफ्ट यहां पर हासिल किया हुआ है। और हमारे तीसरे डायरेक्टर सेलर है श्री भटकर साहब, मिस्टर भटकर साहब दरियापुर से ताल्लुक रखते हैं और 10 डायरेक्टर बना के इन्होंने भी ब्लेजर प्राप्त किया हुआ है। अभी आप इन तीन लोगों को देख लो, ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है इन तीन लोगों को आप देख लो, 5 मिनट के बाद में ये कैसे दिखते हैं ये आप ही खुद जानोगे। और इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को ब्लेजर गिफ्ट करने के लिए, इनका फेलिसिटेशन करने के लिए मैं फिर से हमारे ड्रीम अचीवर टीम के हेड श्री पाटिल सर को यहां पर कॉल करता हूं, मिस्टर महेंद्र पाटिल सर, जोरदार तालियां। लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले हम
निशा मैडम को ये ब्लेजर सर करेंगे, जोरदार तालियां होने चाहिए। वेरी गुड, जोरदार तालियां मैडम के लिए। सेकंड है हमारे चौहान सर, जोरदार तालियां दोस्तों। हमने काफी कुछ बातें यहाँ पर प्राप्त की है, तो सबसे बड़ा जो हमारा जो एम है, जो सबसे बड़ा गोल है आने वाले क्वार्टर में क्या है, दुबई, बराबर है ना। तो क्या आप सब लोग, फिर से मैं बोलूंगा, तो क्या आप सब लोग ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो? यस। नहीं, मुझे आवाज में कुछ वो जोश नहीं दिखा जो जोश मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि हम सबको यहां से कहाँ जाना है? दुबई। दुबई जाना है, बराबर है। तो क्या आप सभी लोग ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो? यस। यस। तो आप हम यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट हमको गोरे साहब ने बताया हुआ है उसके मुताबिक काम करेंगे, और आने वाले 3 महीनों में यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदा ये जो क्लब नेट्स ऑफ दुबई है ये हासिल करेगा, ये प्राप्त करेगा, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आज का हमारा जो प्रोग्राम था उसको यहाँ पर ही विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।